ईयर 1951 की बात है, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लगभग रात के 11:15 बजे एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है। अब वो कहां से आया, किधर जा रहा था और रोड के बीच में कैसे आ गया, ये बात किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक चीज थी जो कि बहुत ही डिफरेंट लग रही थी, जो था कि उसने जिस समय का ड्रेस पहना था वो काफी पुराने फैशन का था, और उस आदमी के गेस्चर से ये साफ पता चल रहा था कि वो खुद इस बात से अनजान था कि वो अभी कहां पहुंच गया है। वो सरप्राइजिंगली वहां के लोगों को खड़े होकर देख रहा था, वहां की बड़ी बड़ी इमारतों को खड़े होकर देख रहा था और आती जाती गाड़ियों को, और वहां के लोग भी सरप्राइजिंगली उसे देख रहे थे कि भाई रोड के बीच में अचानक ये कहां से टपक गया। वो आदमी सड़क से किनारे आने के लिए आगे बढ़ता है, फिर अचानक वहां उसकी कार से एक्सीडेंट हो जाने के कारण ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। फिर जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से कुछ ऐसी चीजें निकली जो इस बात का पुख्ता सबूत थी कि वो टाइम ट्रेवल करके आया है। जैसे कि उसके पास विल्सन्स का एक बियर एंड लंच का कॉइन था, $70 का एक पुराना नोट था और एक बिल था घोड़ा गाड़ी के सफाई का जिसपे एक एड्रेस भी लिखा था और वो था लिवरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू करके, और उसके पास उसके पहचान के तौर पे एक बिजनेस कार्ड मिला जिसपे नाम लिखा था रुडोल्फ पेंट्स, और उसके पास कुछ लेटर्स भी थे जिसपे 1876 का स्टैंप लगा हुआ था। फिर बहुत सारी छानबीन करने के बाद पुलिस को पता चला एक एड्रेस जिस एड्रेस पे नाम लिखा था रुडोल्फ पेंट जूनियर। अब पुलिस वहां पहुंची तो वहां जाने के बाद पता चला कि वो जो एड्रेस था उस पे अभी कोई और रह रहा है। जो रुडोल्फ पेंट जूनियर थे वो कुछ साल पहले ही उनको प्रॉपर्टी बेच चुके थे। फिर कुछ समय बाद और छानबीन करने के बाद एक बैंक डिटेल मिला रुडोल्फ पेंट जूनियर का, जिस बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया था क्योंकि कुछ साल पहले ही रुडोल्फ पेंट जूनियर की डेथ हो गई थी, लेकिन इनकी वाइफ अभी भी जिंदा थी जो कि फ्लोरिडा में कहीं रहती थी। फिर वहां के पुलिस उनसे मिलने उस एड्रेस पर गए जहां पे रुडोल्फ पेंट जूनियर की वाइफ रहती थी। फिर वहां जाने के बाद ये पता चला कि जो रुडोल्फ पेंट्स थे वो रुडोल्फ पेंट जूनियर के फादर थे और वो 29 साल की उम्र में ही लापता हो गए थे और उसके बाद आज तक उनका कहीं पता नहीं चला। वो अपने घर से शाम को वॉक के लिए निकले लेकिन फिर उस दिन के बाद आज तक वो घर पर वापस नहीं लौटे। ये सब सुन के जो उस केस की छानबीन कर रहे थे कैप्टन ह्यूबर्ट और उनके साथ के लोग हैरान हो गए और ये केस एक मिस्ट्री बनकर ही रह गया। आज तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ है कि 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंच गया। अब इस पे लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज भी बनाई, उसमें से कई लोग ये कहे कि जो रुडोल्फ पेंट्स थे वो एक टाइम ट्रेवलर थे, वो टाइम ट्रेवल करके 1951 में पहुंच गए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या सच में साइंटिफिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या फिर ये कोई तुक्काबाजी का खेल है। तो हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत शुरू से। Special theory of relativity lays out the whole recipe of how you can move into the future. Can you travel faster than the speed of light through a wormhole? But we certainly know that you can travel forward. All of the theories are mathematically inconsistent. So if you can understand time, you're on your way to understanding reality. When we describe motion, we do so as a function of time. But the mathematical description of velocity is moot. सबसे पहली बात कि टाइम ट्रेवल वर्ड का यूज कहां से होना शुरू हुआ, तो ये आया एचजी वेल्स के द टाइम ट्रेवल करके बुक से। उस बुक को एचजी वेल्स ने 1895 में लिखा था। अब इस बुक में ये बताया जाता है कि एक आदमी टाइम को ट्रेवल करने के लिए एक टाइम मशीन बनाता है और उस मशीन की हेल्प से वो अपने फ्यूचर और पास्ट में ट्रेवल करता है। लेकिन इस बुक में ये जो स्टोरी थी वो एक फिक्शनल स्टोरी थी, ये बस बनावटी कहानी थी, और इस बुक के बाद से ही नाम शुरू हो गया आपका टाइम ट्रेवल। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन और रियल लाइफ दोनों में काफी पॉपुलर है। आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड में मूवीज देखा होगा जैसे बैक टू द फ्यूचर या टाइम मशीन या फिर एवेंजर का एंड गेम। लेकिन क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है?
सबसे पहले तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सिखाया है कि टाइम ट्रेवल थ्योरिटिकली पॉसिबल है। उन्होंने बताया कि टाइम रिलेटिव है और स्पीड ऑफ लाइट के पास जाके स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप एक स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हैं जो कि लाइट की स्पीड के करीब है तो आपका टाइम ज्यादा स्लो होगा कंपेयर टू अर्थ पे। दूसरी थ्योरी है वॉर्महोल्स की। वॉर्महोल्स स्पेस टाइम का एक शॉर्टकट है जिनके थ्रू थ्योरिटिकली आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन अब तक इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि वॉर्महोल्स रियली में एग्जिस्ट करते हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पे होंगे जिनको वॉर्महोल्स नहीं समझ में आया है, तो उनको अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि वॉर्महोल्स को आप एक टनल समझो जिससे हम एक छोर से दूसरे छोर तक आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आप सभी को ये पता है कि हमारा अर्थ जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है, और हमारे मिल्की वे के सबसे पास में जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, जो कि हमारे अर्थ से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अब अगर हमें एंड्रोमेडा तक ट्रैवल करना है तो हमें लगेगा एक स्पेसक्राफ्ट, और एक स्पेसक्राफ्ट का एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक घंटे में वो ट्रैवल करेगा 28,800 किलोमीटर। अगर हम एंड्रोमेडा तक इस स्पीड से जाते भी हैं तो हमें वहां तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। लेकिन एक रास्ता है जिससे हम कुछ महीनों में या फिर कुछ हफ्तों में ही एंड्रोमेडा तक पहुंच सकते हैं। अब वो जो रास्ता है उसी को हम कहते हैं वॉर्म होल्स। अभी के लिए मैंने आपको इतना समझा दिया है, फिर आगे इसके बारे में कुछ और बातें मैं बताऊंगा, तब तक के लिए वीडियो में बने रहे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी में कहा था कि टाइम और स्पेस एक चीज के दो एस्पेक्ट्स हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार अगर हम लाइट के स्पीड के करीब ट्रैवल करें तो हमारे लिए हमारा टाइम स्लो हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम टाइम डिलेशन कहते हैं। मतलब अगर आप एक स्पेसशिप में हैं जो लाइट के स्पीड के करीब ट्रैवल कर रही है तो आपका टाइम बहुत स्लो होगा कंपेयर टू अर्थ। अब एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो आपने सुपरमैन की मूवी देखी होगी जिसमें वो अर्थ के आजू बाजू लाइट के स्पीड से रिवॉल्व करता है जिसके कारण वो अपने टाइम के पास्ट में पहुंच जाता है। अब फिर आती है वॉर्म होल्स की बारी। सिंपली अगर हम समझे तो जो वॉर्म होल्स होता है वो स्पेस टाइम का एक शॉर्टकट होता है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक पहलू से दूसरे पहलू तक पट से पहुंच जाएंगे। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम स्पेस टाइम को फोल्ड कर दें तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इंस्टेंटेनियसली पहुंच सकते हैं। लेकिन अब तक वॉर्म होल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकली ही पॉसिबल हुआ है, रियल लाइफ में इसका एग्जिस्टेंस अभी भी नहीं है। अब अगर प्रैक्टिकली सोचें तो टाइम ट्रेवल में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, और सबसे फेमस प्रॉब्लम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसमें अगर आप पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर से मिलो और कुछ ऐसा करो कि जिससे आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। नहीं समझे, मैं बताता हूं। आप पास्ट में गए और जाके अपने ग्रैंडफादर को मार दिए तो फिर आप पैदा कैसे हुए? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे टाइम ट्रेवल को लेकर। ये पैराडॉक्स को अभी तक सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, ये अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस टॉपिक पे काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। कुछ लोग टाइम ट्रेवल को क्वांटम फिजिक्स के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां पैरेलल यूनिवर्स और अल्टरनेट टाइमलाइंस की थ्योरीज आती हैं, लेकिन ये सब अभी तक एक स्पेक्चुलेशन और थ्योरीज ही हैं। इसका कोई रियल लाइफ में सॉलिड प्रूफ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था, तो यहाँ पर भी वही लौटकर वापस आता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम और सिचुएशन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। ये थ्योरी स्पीड और ग्रेविटी के इफेक्ट को समझती है। आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम और सिचुएशन दोनों ही एक दूसरे को एक्सपीरियंस करता है। अब बात यहाँ आती है मेन मुद्दे की, क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? क्या हम फ्यूचर या पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? तो दोस्तों, थ्योरिटिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इसको समझने के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे बढ़ना होगा। ये टॉपिक काफी फैसिनेटिंग है और फ्यूचर में शायद हमारे पास इसका आंसर भी हो। अब इसको समझने के लिए 28 जून 2009 को एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर है जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी, और उस पार्टी की खास बात तो ये थी कि उसमें सिर्फ टाइम ट्रेवलर को ही आना था, लेकिन पार्टी में कोई भी नहीं आया। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस बात को समझने के लिए किया था कि क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, कि क्या कोई फ्यूचर से ट्रेवल करके पास्ट में आया है। अगर आया है तो उसका उस पार्टी में स्वागत है। लेकिन उनका यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? अपने थॉट्स को कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मैंने शुरुआत में जो रूरल फ्रेंड्स की बात की थी उसका क्या हुआ? तो बाद में पता चला कि ये जो स्टोरी थी एक फिक्शनल स्टोरी थी।
जिसको किसी ने एक कहानी के थ्रू बता दिया था और ये स्टोरी बहुत ही वायरल हो गई थी और लोगों को रियल भी लग रही थी। तो इस इंसिडेंट को मैंने इस वीडियो में एक एग्जांपल के थ्रू यूज किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी इस दिलचस्प कहानी के बारे में पता चले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। जय हिंद। Alright!